हेलो एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट राउंड 2 के लिए अपनी वैकेंट सीट जो है वो रिलीज कर दी है। सो आपके पास एक और मौका है। जिन लोगों को अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला है और वो एस्पायर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आप एक बार वो लिस्ट देख सकते हैं और अगर उसमें सीट्स अवेलेबल है तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही मान सकते हैं आपके पास गोल्डन चांस है कि आप वेबसाइट पे जाइए और वहां पे वैकेंट सीट की लिस्ट देख सकते हैं और वहां पे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम वेबसाइट पे जाते हैं admission.eod.ac.in, तो यहां पे मेंशन हो रहा है वैकेंसी स्पॉट यूजी राउंड एडमिशन 2, तो यहां पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी किस किस कॉलेज में किस किस कोर्स के लिए आपके पास वैकेंट सीट अवेलेबल है। तो अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला है और आप एस्पायर कर रहे हैं, आपका एम्बिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, हो सकता है जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें एडमिशन अभी सीट्स ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कोर्स में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सीट जो है अभी भी वहां अवेलेबल है। तो आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में अभी भी एक मौका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितने सारे प्रोग्राम्स है, यहाँ अभी भी हमारे पास काफी सीट्स खाली है। आत्माराम सनातन कॉलेज की बात करते हैं हम अगर, तो यहाँ देखिए बीए प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे बीए प्रोग्राम के लिए अभी भी सीट्स वैकेंट है, अनरिजर्व कैटेगरी में भी जो है वो सीट्स वैकेंट है। जैसे आत्माराम सनातन कॉलेज की बात करें तो आप देखिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अभी भी 3 सीट्स खाली हैं, बीकॉम की बात करें तो 4 सीट खाली हैं, बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो अभी भी 1 सीट खाली है। तो इस तरह काफी कोर्सेज में बाकी सारे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे कॉलेज में अभी भी सीट्स वैकेंट है और अभी भी आपके पास मौका है। अभी आपको एडमिशन नहीं मिला है तो आप स्पॉट राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन हमने पिछले वाली वीडियो में बताई थी, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है उनके पास ये आखिरी मौका है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। इसके बाद ऑलमोस्ट चांसेस है कि एडमिशन प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बचती हैं, उसके लिए एक बार स्पॉट राउंड और कंडक्ट किया जा सकता है अगर ये सीट्स फिल नहीं होती हैं तो। सो विदाउट एनी डिले डेट्स आपको पता ही है कब से कब तक जो है ये अवेलेबल है। 7th आज है और 9th जो है 9th सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको पता ही है और सारा शेड्यूल जो है हमने पिछले हमारे वीडियो में क्लियर कर ही दिया है। तो एक और मौका है, विदाउट एनी डिले जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर दिस स्पॉट राउंड। थैंक यू।